मुजफ्फरनगर राजधानी दिल्ली से उत्तर दिशा में करीब 128 किलोमीटर दूर यूपी का एक छोटा सा जिला है जो अब एनसीआर का हिस्सा है। सहारनपुर डिवीजन के इस जिले के सीमावर्ती शामली जिला है जो कभी मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी जिला है जो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 के मध्य मौजूद है। इसके बाद उत्तराखंड शुरू होता है। मुजफ्फरनगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 520 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। इसके पश्चिम में सहारनपुर, पूर्व में हरिद्वार और बिजनौर है, दक्षिण में मेरठ, पश्चिम में शामली और बागपत जिले हैं। मुजफ्फरनगर को भारत का बाउल ऑफ शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी नवीन मंडी स्थल स्थित है। जिले में कुल 8 चीनी मिलें, टिकोला चीनी मिल्स, आईपीएल शुगर मिल, तितावी शुगर मिल, त्रिवेणी शुगर मिल, मंसूरपुर शुगर मिल, उत्तम शुगर मिल, बजाज शुगर मिल और डिस्टिलरी शामिल हैं। आसपास का कृषि क्षेत्र गन्ने की खेती पर निर्भर है जबकि जिले की कुल आबादी के 70% लोग कृषि पर ही आधारित हैं। इस वजह से मुजफ्फरनगर गुड़ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, गन्ना, कागज और स्टील इंडस्ट्री पर टिकी है। एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ गुड़, चीनी के अलावा इस्पात और कागज भी बनाए जाते हैं। इस जिले में कुल 29 पेपर मिल हैं, जो देश के पेपर निर्माण में औसतन 8% और उत्तर प्रदेश में 43% की हिस्सेदारी रखती है। यहाँ की कई नामी स्टील कंपनियां जैसे राणा स्टील्स, बरनाला स्टील्स, यूपी स्टील्स, सिद्धबली स्टील्स आदि देश के दूरस्थ हिस्सों में स्टील प्रोडक्ट, एंगल्स और सरिया बेचती है। ये शहर देश भर में रेलवे नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले में एक लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट हैं। हालांकि बिजनौर लोकसभा में भी मुजफ्फरनगर का कुछ हिस्सा आता है। जिले में कुल 4 तहसील, 9 ब्लॉक, 2 नगर पालिका, 8 नगर पंचायत, 704 गांव, 498 ग्राम पंचायत और महिला थाना समेत कुल 21 थाने हैं। मुजफ्फरनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 2,991 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की कुल जनसंख्या 28,69,934 है। राज्य में आबादी के मामले में मुजफ्फरनगर जिला 12वां स्थान रखता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1,034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मुजफ्फरनगर जिले में 2011 के सर्वे के मुताबिक 55.79% हिंदू, 41.39% मुस्लिम, 2% जैन और 2% अन्य धर्म के लोग बसते हैं। जिले का साक्षरता औसतन 79.80% है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 899 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, जबकि 1000 लड़कों के पीछे महज 843 ही लड़कियां हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 272 मीटर है। आपको जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भी मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले थे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 22.3% जनसंख्या के मुकाबले जिले में शहरी आबादी का प्रतिशत हिस्सा 28.8% है। आबादी के मामले में मुजफ्फरनगर जिला राज्य में 42वां और साक्षरता में 33वें स्थान पर है। ये जिला दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पॉपुलर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर जीडीपी में पहला स्थान रखता है। साथ साथ ये जनपद यूपी का सबसे बड़ा अनाज उत्पादन जनपद है। अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद शहर में विदेशी और आधुनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कमी है। मुजफ्फरनगर से दो प्रमुख दैनिक अखबार मुजफ्फरनगर बुलेटिन और रॉयल बुलेटिन प्रकाशित होते हैं। डिजिटल मीडिया में अलग पहचान रखने वाले समाचार टुडे का भी मुजफ्फरनगर जिले से ही प्रसारण होता है। जिले में एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन SDFM है।
श्रावण मास में आयोजित होने वाले हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक शिव कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर शहर एक अलग भूमिका निभाता है। हर साल करोड़ों शिव भक्त कांवड़िया इस शहर से होकर गुजरते हैं। इस यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर में घूमने और प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में। तो शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर शुक्र तीर्थ 5100 वर्ष पुराने अक्षय वट वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। इसे ऋषि शुकदेव की निशानी माना जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह मुजफ्फरनगर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर संबलहेड़ा के जंगल में श्री सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ महादेव पंचमुखी शिव मंदिर है। इस मंदिर में विश्व का दूसरा खूबसूरत पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जो बहुत महंगे पत्थर कसौटी द्वारा बनाया गया है। शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर वेहलना में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित है, जो जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए SD डिग्री कॉलेज परिसर में जूलॉजी म्यूजियम स्थित है। इसे साल 1970 में PNG डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज के द्वारा शुरू किया गया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। खासकर बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।